पाकिस्तानी सलाम मुतासरीन के लिए जिनेवा में मुनक्किद आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी इदारों और ममालिक ने पाकिस्तान को 10 अरब 60 करोड़ डॉलर इमदाद देने का ऐलान कर दिया। इस इमदाद में इस्लामी तरक्याती बैंक के 4.2 अरब डॉलर और आलमी बैंक के 2 अरब डॉलर शामिल हैं। जावेद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान के सलाम मुतासरीन के लिए जिनेवा में आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आलमी इदारों और मुख्तलिफ ममालिक का पाकिस्तान को 10 अरब 60 करोड़ डॉलर इमदाद देने का ऐलान। इस्लामी तरक्याती बैंक के 4.2 अरब डॉलर और आलमी बैंक के 2 अरब डॉलर भी शामिल। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक जिनेवा कॉन्फ्रेंस का दिन भर जारी रहने वाला मुकम्मल सेशन आलमी बरादरी की फराग दिली के साथ खत्म हो गया। यूरोपीय यूनियन ने 93 मिलियन डॉलर, जर्मनी ने 88 मिलियन डॉलर, चीन ने 100 मिलियन डॉलर, इस्लामी तरक्याती बैंक ने 4.2 अरब डॉलर, आलमी बैंक ने 2 अरब डॉलर, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.5 अरब डॉलर, जापान ने 70 मिलियन डॉलर, यूएस एड ने 100 मिलियन डॉलर और फ्रांस ने 345 मिलियन डॉलर इमदाद का ऐलान किया। मजमूई तौर पर इमदाद की ये रकम 8.57 अरब करोड़ डॉलर बनती है। मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन में 8.5 अरब डॉलर इमदाद, जबकि दूसरे सेशन में पाकिस्तान को मजीद 2 अरब डॉलर मिले। दूसरे मरहले में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 1 अरब डॉलर और ब्रादर मुल्क सऊदी अरब ने भी 1 अरब डॉलर इमदाद का ऐलान किया है। कॉन्फ्रेंस के आगाज पर पाकिस्तान में सैलाब की तबाही, नुकसानात, इमदाद और बहाली से मुतल्लिक खुसूसी वीडियो दिखाई गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कॉन्फ्रेंस के शुरका का शुक्रिया अदा किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वामे मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से बड़ा नुकसान हुआ, तबाही का खुद मुशाहिदा किया और मनाजिर देख कर दिल टूट गया। सैलाब से 80 लाख के करीब लोग बेघर हुए और मुल्क के बड़े हिस्से को शदीद नुकसान पहुँचा। अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि मुश्किल हालात में भी पाकिस्तानियों का जज्बा देख कर हैरान हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इकदामात की जरूरत है। 3 साल की मुदत में 16.3 बिलियन डॉलर की इमदाद दरकार होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में सैलाब से होने वाली तबाही और बहाली के लाए अमल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम का दर्द महसूस करने पर तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करता हूँ। सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, 33 मिलियन लोग मुतासर हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के साथ मईशत भी बुरी तरह मुतासर है। मुतासरीन की तामीरों और बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इमदाद की जरूरत है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में मदद करने वाले ममालिक को कभी नहीं भूलेगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए 16.3 बिलियन डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान 50% खुद बर्दाश्त करेगा।